चंदेरी साड़ियाँ, इतिहास के पन्नों को पलटें तो इसकी अपनी एक अलग कहानी है। इन चंदेरी साड़ियों को पहले के ज़माने में सोने और चांदी के कामों से बनाया जाता था। हाल ही में भोपाल के मृगनैनी में अभी एक ऐसी ही साड़ी लॉन्च हुई है जिसे सोने और चांदी से बनाया गया है। ये साड़ी पूर्ण तरीके से हाथ से बनाई गई है। मध्य प्रदेश के बेहतरीन कलाकारों द्वारा हाथ से कई दिनों में यह साड़ी को बनाकर तैयार किया गया है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं इस साड़ी की विशेषताओं के बारे में। नाम मैं एमएल शर्मा, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम कबीरा और खादी के संयुक्त तत्वावधान में एक एकीकृत एम्पोरियम खोला गया कि एक ही बैनर के नीचे लोगों को बहुत सारी वैरायटियां, जो खादी के लवर हैं वो खादी के कुर्ते पजामे, विंध्यावेली के उत्पादन देख सकें, हल्दी धनिया मिर्ची मसाले या चार पापड़ जो उनकी विशेषताएं हैं खादी के कुर्ते। इसके साथ साथ मृंगिनी के जो प्रीमियम आइटम हैं जैसे कि चंदेरी, चंदेरी का नाम सुनते ही लोगों में प्रसन्नता आ जाती है, सुंदरता का प्रतीक है चंदेरी और महेश्वरी। इसमें स्पेशली सभी वस्तुएं हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो ओरिजिनल चंदेरी के सोने और तार, सिल्वर गोल्ड के तार से बनी चंदेरी की साड़ियाँ, जो सिल्वर गोल्ड की जरी लगी हुई है वो ये है। इसे चंदेरी के घासीराम और अब्दुल जब्बार जो दो बुनकर हैं, बड़े ही वरिष्ठ बुनकर हैं, इन लोगों ने मिलकर बनाई, क्योंकि इसमें दो तरफ बैठना पड़ता, दाईं तरफ कारीगर अलग बाईं तरफ अलग। इस साड़ी का नाम भी है डिब्बा चेक। इस डिब्बे चेक के अंदर में मोर पंख है, जो आजू बाजू में लाइनिंग दी हुई है ये जरी की है, लेकिन सोना और चांदी इतना फ्लेक्सिबल होता है कि थोड़े से में ही ये पानी की तरह काम हो जाता, तो पतली जरी है। इसमें जरी से महत्वपूर्ण ज़्यादा है इसकी कलाकारी, जो 1930 का रिवाइवल कलेक्शन है, 1930 के आसपास ऐसे डिजाइन बनते थे। तो चंदेरी की वही बात इसमें लोगों को देखने के, दर्शकों के लिए ये बड़ी खास बात है कि वो देखें कि रियल जरी की साड़ियाँ बनती कैसी थी। तो यह है ओरिजिनल जरी की साड़ी। तो इसमें जरी से ज़्यादा महत्व है इसकी कलाकारी का, क्योंकि जरी तो लगी ही है, जो भी है जैसा है। तो सरकार का उद्देश्य इसमें व्यापार से नहीं, जनसेवा से जुड़ा है। जी, तो जैसे ये एक चंदेरी साड़ी आई है मृगनैनी में जो कि सोने और चांदी से बनी है, इसकी क्या विशेषता है, इसको विस्तार से बता देंगे? इसकी विशेषता के बारे में तो देखो, चंदेरी सुंदरता का प्रतीक है। बहुत समय पहले या आज भी चंदेरी साड़ी बनने में हल्का सा छोटा सा काजल का टीका लगता था। वो इसलिए लगता था कि कोई चीज नजराए ना, जैसे छोटे बच्चे को नहला धुला के उसके मथे पे हल्का सा काजल का टीका लगाया जाता है, ऐसे ही चंदेरी साड़ी में भी छोटा सा काजल का टीका लगता है कि न नज़र हटती है न नज़र लगे, तो नज़र से बचाने के लिए काला टीका लगता है। एंड देन सेकेंड में, चंदेरी साड़ी पहनने के बाद में ऐसी सुंदर है कि कई इसको शायरों ने लिखा है आबे रवा, यानी बहते हुए पानी की तरह, समुंदर कलर की तरह है ये। चंदेरी पर्याय है, यानी जिसको कहा जाए कि चंदेरी सुंदरता का प्रतीक है। इसे न्यूली मैरिड भी पहने और बुजुर्ग लोग भी पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं कि हमारे प्रदेश का आर्ट है, इतना प्रिंट है चंदेरी, इतनी पतली है, सी थ्रू है, लेकिन पहनने के बाद वो अपनी नज़ाकत झलकाती है। तो चंदेरी आबे रवा उर्दू का शब्द जो कहा जाता है, हुस्न दिखता भी है और हुस्न छुपता भी है, तो चंदेरी सुंदरता का पर्याय है। तो जैसे ये वाली जो साड़ी है जो सोने और चांदी से बनी, इसकी क्या कीमत है? ये 1,05,000 के करीब की है। ये डिब्बा चेक में दी हुई है, 6.5 मीटर 1 मीटर का ब्लाउज है, 5.5 मीटर साड़ी है, और ये करीब करीब 45-40 दिन में निर्मित हुई है। ये चंदेरी के जो अवार्डेड बुनकर हैं उनके द्वारा बनी हुई है। तो क्या ये पूरी तरह से हाथ से बनाई हुई साड़ी? पूरी चंदेरी में हाथ के अलावा, हैंडलूम के अलावा कुछ और शॉर्टकट मेथड चलता ही नहीं है, ये पूरी हैंडलूम पर ही बनती है।